एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग और वेलकम टू द मे करंट अफेयर पार्ट वन। हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें जून 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक के जो भी करंट अफेयर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ऑफ रीजनल इम्पोर्टेंस या फिर ऐसे कोई करंट अफेयर जो हमें लगता है कि आपके स्टेट लेवल सर्विसेज के एग्जाम्स में आ सकते हैं या फिर कोई और छोटे मोटे एग्जाम्स जैसे होते हैं आपके पटवारी, नायब तहसीलदार जैसे एग्जाम्स ही होते हैं, तो हम लोगों ने ये कवर कर चुका है पहले। आज हम शुरू करेंगे अपना मई 2021। ऐसे ही हम लोग जून वाले भी करेंगे अब अगली क्लासेस में, और उसके बाद हर महीने के बाद जैसे ही वो महीना खत्म हो जाएगा वैसे ही उसके करंट अफेयर हम लोग डिस्कस किया करेंगे। क्लियर है? चलो तो शुरू करेंगे अपने मे पार्ट वन 2021 करंट अफेयर्स। फर्स्ट टॉपिक है आपका द रिक्लाइनिंग बुद्धा। ये काफी न्यूज में अभी रहा था द रिक्लाइनिंग बुद्धा, क्योंकि अभी रिसेंटली इसको बुद्धा जयंती के दिन पर 26 मई को इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, इंडिया का लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा। रिक्लाइनिंग बुद्धा से क्या समझते हैं? लेटे हुए बुद्धा, है ना। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो इस तरीके की है ना, ये दैट इज द पोजीशन ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा। ये क्या रिप्रेजेंट करती है ये हम देखेंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि भाई ये जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। अभी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा हैज बीन इनॉग्रेटेड एट द बोधगया। बोधगया में इसको बनाया गया है। और कहाँ पर है ये बोधगया में? बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर ये जो पूरी रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू है दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। एक तो ये करंट में रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ में अ रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू और इमेज रिप्रेजेंट्स द बुद्धा ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस अबाउट टू एंटर परिनिर्वाणा। मतलब जो भी एक ऐसा इनलाइटेंड पर्सन है, बुद्धा का मतलब ही इनलाइटेंड वन होता है, तो कोई भी अगर इनलाइटेंड वन है तो फिर जब वो नियर द डेथ आ जाता है तो वो सिचुएशन जो है दैट सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिक्लाइनिंग बुद्धा। और परिनिर्वाणा इज द स्टेज ऑफ ग्रेट साल्वेशन आफ्टर द डेथ दैट कैन ओनली बी अटेन्ड बाय द एनलाइटेंड सोल्स। तो क्या ये स्टैचू है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड अल्टीमेटली ये परिनिर्वाणा से आप क्या समझते हैं? क्लियर है? अगर आपको फोटो देखनी है तो ये है, दिस इज एट द बोधगया, रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। और अगर हम रिक्लाइनिंग बुद्धास के स्टैचूज की बात करें तो सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ इंडिया वाला है, बोधगया वाला। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा हमें देखने को मिलता है म्यांमार में। म्यांमार में देखने को मिलता है, जिसकी जो लेंथ है दैट इज 600 फीट। तो आप ध्यान रखेंगे ये सिर्फ इंडिया वाला है जो सबसे लार्जेस्ट है, दैट इज इन द म्यांमार। और अगर हम ओल्डेस्ट की बात करें, द ओल्डेस्ट स्टैचू ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा, इट इज सिचुएटेड एट द पाकिस्तान्स खाइबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। सिंपल पाकिस्तान ध्यान रख लेना, प्रोविंस नहीं भी याद है तो कोई इतना इशू नहीं है, बट आपने इंडिया का लार्जेस्ट कहाँ पर है ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कहाँ है ये ध्यान रखना है, कितनी उसकी लेंथ है, एंड पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू कहाँ पर है, ये चीज़ें आपने इसके बारे में ध्यान रखनी है। क्लियर है? रहेगा याद बुद्धा जयंती जो डे है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई इसी दिन को ही बोधगया में इस रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया था। स्टेटमेंट अगर आ भी जाएगी भाई किस दिन किया गया था तो कम से कम पता हो हमें। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे साइक्लोन ताऊकते एंड साइक्लोन यास। इंपॉर्टेंट साइक्लोन के बारे में ये होता है कि भाई एक तो ये कहां पर बने हैं। अगर हम देखें इंडिया की कोस्ट को तो इंडिया का दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट, दिस इज द ईस्टर्न कोस्ट, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। पेपर में स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि भाई ये जो साइक्लोन था वो किस कोस्ट ऑफ इंडिया पे बना था। तो अगर हम बात करें साइक्लोन ताऊकते की तो ये कहाँ बना था, दैट वाज इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में केरला से होकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात तक होते होते यहां तक इसने तबाही मचाई थी। ठीक है, एक तो ध्यान रखेंगे कि भाई ये कहाँ पर बना है, और दूसरी चीज
ये जो नेमिंग है कि भाई साइक्लोन ताऊकते है या फिर साइक्लोन यास है, ये ताऊकते और यास नाम किसने दिया है और इसका मतलब क्या है? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं अब, है ना। अगर हम ताऊकते की बात करें तो द वर्ड हैज़ बीन सजेस्टेड बाय म्यांमार। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें जहाँ पर साइक्लोन्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो यहाँ पर देर आर एट कंट्रीज जो एक नाम की लिस्ट प्रोवाइड करती हैं स्टार्टिंग से ही, तो हमें पता हो कि भाई आगे आने वाला साइक्लोन का नाम क्या होगा, है ना, जिसमें आपका म्यांमार, इंडिया, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, है ना। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं जो इंडियन ओशन के रिगार्डिंग टच करती हैं, इन कंट्रीज़ ने अपना एक पहले से ही नाम की लिस्ट बना के रखी हुई है। तो इसीलिए जो ताऊकते है दैट हैज़ बिन सजेस्टेड बाय दी म्यांमार। आपके लिए अभी काम ये है कि आपने ये देखना है वो आठ कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। मैंने बता दिया है, लेकिन जहाँ पर आप ये करंट अफेयर लिख रहे होंगे या नोट्स जहाँ से पढ़ रहे होंगे उनके ना साइड में ही लिख लेना कि भाई ये आठ कंट्रीज़ हैं जो पहले से ही नाम की लिस्ट प्रोवाइड करती है ना, ताकि रिविजन में आसानी हो जाए। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एन होमवर्क फॉर यू। चलो अगर मैं ताऊकते की बात करूँ तो दैट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय दी म्यांमार, जिसका मीनिंग होता है गेको। गेको को अगर हम देखें तो इट इज़ काइंड ऑफ वोकल लिजर्ड, छिपकली के नाम पर है ये बेसिकली इन द बर्मीज लैंग्वेज। बट इसका मतलब इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ध्यान रखना ये साइक्लोन एक तो किस कोस्ट पर बना है और इसने इसको किसने सजेस्ट किया था इसका नाम, बस ये ध्यान रखेंगे। चलो तो ये तो हो गया साइक्लोन ताऊकते के बारे में। अभी अगर हम देखें साइक्लोन यास, तो यास वो सजेस्टेड बाय ओमान। ओमान और इसका मतलब है कि भाई इट रेफर्स टू अ ट्री विथ गुड फ्रेग्रेंस एंड इन इंग्लिश द वर्ड इज सिमिलर टू जैस्मिन। सिंपल फ्रेग्रेंस से हम ध्यान रख सकते हैं, यास इन ओमानीज लैंग्वेज इज जैस्मिन, जो भी है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि तो उसका मतलब क्या था और साथ में ये कहाँ पर बना था। इट वॉज डेवलप्ड ऑन द नॉर्थ ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड इन द बे ऑफ बंगाल। इसका मतलब जो साइक्लोन यास है वो कहाँ पर बना है, बे ऑफ बंगाल में, मतलब ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में दोनों ही कोस्ट पर साइक्लोन्स बन सकते हैं, बट फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न कोस्ट दोनों में से ज़्यादा साइक्लोन्स कहाँ पर आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है यहाँ पर साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू द अरेबियन सी। क्योंकि एक तो बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा हॉटर है एज़ कम्पेयर टू द अरेबियन सी। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है साइक्लोन के बनने की पहली कंडीशन ही ये होती है कि जो ओशन है, जो वाटर है, उसका टेम्परेचर शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है यहाँ पर 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बहुत जल्दी अटेन कर लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशंस बनने की जो संभावनाएं हैं दैट इज़ मोर देन द अरेबियन सी में। क्लियर है? चलो तो ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट देखेंगे सन्स हेलो। अभी रिसेंटली ही बेंगलोरो वाले एरिया में ये फिनोमिना देखा गया था। आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर देखा गया था, इस पर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सीधी स्टेटमेंट्स आती है कि डिफरेंट फिनोमिना कॉल्ड द सन्स हेलो वॉज सीन इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो आप ध्यान रखेंगे बेंगलुरु वाले एरिया में देखा गया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बेंगलुरु में अभी रिसेंटली एक ऐसा फिनोमिना देखा गया जिसमें सन के चारों तरफ क्या देखा हम लोगों ने, ऐसा एक रेनबो टाइप सा देखा। दिस इज दी सन, रेनबो टाइप देखा हम लोगों ने ये। तो इस फिनोमिना को बताओ कहते क्या है। तो इसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे सन्स हेलो, और इसका जो रीजन है वो भी ध्यान में रखेंगे। चलो अगर हम देखें कि भाई सन्स हेलो होता क्या है, द सन द हेलो दैट अपीयर्ड अराउंड द सन इज 22 डिग्री रिंग दैट अपीयर्स ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो सन के अराउंड ये पूरा का पूरा रेनबो बनने का जो एक फिनोमिना है, अगर आप देखो तो ये ऐसा तरीके से दिखा था। ये सन है आपका, ये पूरे अराउंड जो है ये आपको 7 कलर्स ऑफ लाइट दिखेंगे जस्ट लाइक द रेनबो। तो ये बनता कैसे है, द रीजन इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट।
डिस्पर्शन ऑफ लाइट से हम क्या समझते हैं, जैसे ही हम मान लेते हैं कि प्रिज्म है, आपने फिफ्थ या सिक्स्थ क्लासेस में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि भाई एक प्रिज्म है, यहाँ से आपने वाइट लाइट को गुजारा और जब ये लाइट प्रिज्म से बाहर निकली तो वो सेवन कलर्स में आई, जिनको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये क्या है, दिस फिनोमिना, कि भाई जब कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म या फिर आइस क्रिस्टल से होकर गुजरेगी तब वो क्या करेगी, इन सात रंगों में डिवाइड हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर में क्या है, यहाँ पर ये क्लाउड्स हैं, दीज आर दी क्लाउड्स, और ध्यान रखेंगे जो सन्स हेलो है दैट इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद दी सीरस क्लाउड्स, सीरस क्लाउड जो काफ़ी हाइट पर होते हैं। तो सीरस क्लाउड्स किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ द आइस क्रिस्टल्स, और जैसे ही सन से आने वाली लाइट इन आइस क्रिस्टल्स में से गुजरती है वैसे ही क्या होता है, इट गेट डिवाइडेड इनटू सेवन कलर्स, और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही आपको ये सन के अराउंड हेलो देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो इसका नाम क्या है, कहाँ पर ये देखा गया था, व्हाट वर द कॉज ऑफ द सन्स हेलो, और किस क्लाउड से एसोसिएटेड है ये फिनोमिना, ये चीज ध्यान रखेंगे, है ना। एंड व्हाट इज द फिनोमिना कॉल्ड, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारे लिए प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। डिग्री आप ध्यान रखेंगे, इट इज द 22 डिग्री हेलो। अगर ये हेलो मून के राउंड बनेगा तो दोज आर कॉल्ड मून्स रिंग या फिर सन्स रिंग, जो भी है, तो मून्स हेलो, सन्स हेलो। तो अगर किसी भी नेचुरल बॉडी के अराउंड ऐसे रेनबो टाइप सा बन रहा है, इट मींस दैट इज द हेलो ऑफ दैट बॉडी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। मराठास कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल से सुप्रीम कोर्ट। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा मई वाले महीने में कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दे रखा था दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। और अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो दैट वॉज 12% इन केस ऑफ एजुकेशन एंड 13% इन केस ऑफ जॉब्स। और ये रिजर्वेशन देने के बाद में महाराष्ट्र में जो एक्चुअल लिमिट ऑफ रिजर्वेशन थी दैट वॉज 64% फॉर द एजुकेशन एंड 65% फॉर द जॉब्स रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब जो एक हमारे को केस पता है सबसे इंपॉर्टेंट केस रिगार्डिंग द केसेस ऑफ रिजर्वेशन, तो हमें ये पता है इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस 1992, जिसने स्पेसिफिकली ये बोला था कि अगर आपने रिजर्वेशन किसी कम्युनिटी को प्रोवाइड करना है तो दैट लिमिट ऑफ द रिजर्वेशन शुड नॉट ब्रीच द 50% ऑफ दैट लिमिट। लेकिन यहां पर तो क्या है, यहां पर 64 है, 65 है। और इसने ये भी कहा साथ में इस केस में कि भाई ठीक है 50% तो रहेगा ही रहेगा, साथ में अगर आपने 50% से ज्यादा इस लिमिट को बढ़ाना है तो देर शुड बी सम एविडेंसेस दैट दिस कम्युनिटी इज सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इंदिरा साहनी केस के अकॉर्डिंग जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कोई ना कोई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो मराठा कम्युनिटी है दैट इज नॉट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इसीलिए उसको रिजर्वेशन हम लोग नहीं दे सकते, और खास करके तब तो बिल्कुल नहीं दे सकते जब उसने 50% लिमिट को ब्रीच कर लिया हो, है ना। तो दैट वॉज द केस। तो ये न्यूज में इसलिए काफी रहा था, पेपर में स्टेटमेंट कैसे आ सकती है कि भाई रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने किस कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दिया है। तो ऐसे मराठा कम्युनिटी आपको पता है बहुत सालों पहले जो हरियाणा में जाट्स थे उस कम्युनिटी को भी ओबीसी स्टेटस दिया हुआ था सेंटर ने, बट उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। तो जो भी कम्युनिटी का रिजर्वेशन स्टेटस न्यूज़ में रहता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें हैं ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5-judge bench थी जिसने महाराष्ट्र द्वारा दिए गए रिजर्वेशन को नल एंड वॉइड कर दिया।
और कहा क्या, कहा ये कि भाई इट एक्सीडेड द 50% सीलिंग, क्योंकि ये सीलिंग किस में दी गई थी, इंदिरा साहनी केस में, उसको मानना चाहिए हमें. एंड द कोर्ट हेल्ड दैट अ सेपरेट रिजर्वेशन फॉर मराठा कम्युनिटी वायलेटेड आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. कहने का भाव ये है कि भाई अगर आपने 50% लिमिट को ब्रीच करना है तो वो कम्युनिटी शुड बी वेरी वेरी बैकवर्ड इन केस ऑफ सोशल पैरामीटर्स एंड एजुकेशनल पैरामीटर्स. लेकिन मराठा कम्युनिटी दोनों में से ही कोई नहीं है, इसीलिए जो बाकी की जनता है महाराष्ट्र की जो मराठा कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती, तो उसके लिए ये अगेंस्ट द आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी का वायलेशन है. और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जहाँ पर सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए लॉ बनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, ये सब चीज़ें ध्यान से नहीं देखी गई, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन का ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना है दैट हैज़ बीन स्क्रैप्ड. चलो ये ध्यान रखेंगे कि किस कम्युनिटी का रिजर्वेशन छीना है, क्यों छीना है, एंड व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरियाज, कौन सा केस है जिसके अकॉर्डिंग, इंदिरा साहनी केस है जिसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाता है किसी भी बैकवर्ड क्लास को. चलो नेक्स्ट देखेंगे द स्कीम, युवा स्कीम. युवा स्कीम है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स. तो नाम से ही क्लियर है, इसकी एब्रीवेशन से ही क्लियर है, तो दैट स्कीम इज इन द फेवर ऑफ ऑथर्स. तो ये स्कीम लॉन्च किसने करी है, द स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ऑथर की जहां पर बात आ गई, बुक्स की बात आ गई, तो बुक्स जहां पर आ गई वहां पर कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो ये सिंपल याद रखना. तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आप ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ये है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मा है वो किसको दिया गया है, नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही आता है ना. बट अलग अलग है कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है और इसने इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा किसको दिया हुआ है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम देखें फीचर्स ऑफ द स्कीम, इस स्कीम में होगा क्या, इस स्कीम में बेसिकली हर एक ऑथर को हर महीने 50,000 की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो बुक्स के बारे में क्या कर सकें, उनकी रीडिंग को हम प्रमोट कर सकें, राइटिंग को प्रमोट कर सकें, एंड हम लोग उनमें बुक कल्चर को प्रमोट कर सकें, ताकि एक बहुत अच्छे तरीके की जो बुक्स हैं वो लिख सकें, और वो हमारी बुक्स पूरे ग्लोबल लेवल पर काफ़ी अच्छा कमाई कर सके, या फिर इंडिया की जो इमेज है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर सके, है ना. तो इंडिया को लिटरेचर में अगर आगे बढ़ना है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, तो इंडिया को ऐसी ऐसी स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ेंगी, क्योंकि इट इज़ टू बी कंसिडर्ड दैट जो भी ऑथर्स होते हैं, कवि होते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज होते ही नहीं है कि भाई वो इतना ज़्यादा खर्चा कर सके अपनी बुक राइटिंग पर, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं है उस प्रोफेशन में, है ना. कई प्रोफेशन मतलब कई लोगों का है, बट अगर हम जनरल देखें तो इस प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा पैसे की कमी है. तो इसीलिए ऐसे जो ऑथर्स हैं जिनके पास टैलेंट है, तो इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ताकि उनको हम प्रमोट कर सकें कि आप बुक लिखो, आपको पैसे की चिंता ना हो. तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे इट इज़ दी 50,000 पर मंथ एंड फॉर द पीरियड ऑफ 6 months पर ऑथर. और ऐसा नहीं है कि भी जिंदगी भर 50,000 रुपये मिलते चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ कितने दिन के लिए मिलेंगे, 6 months के लिए मिलेंगे. और ये जो पूरी की पूरी युवा स्कीम है जो हमारे ऑथर्स को मोटिवेट करने के लिए चलाई गई है, ये किसका पार्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट. 2022 में इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, 75 ईयर्स हो जाएंगे, इसीलिए इंडिया की जो एक सॉफ्ट पावर है कि भाई लिटरेचर के थ्रू, सिनेमा के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू पूरे वर्ल्ड पर अपनी छाप छोड़ी जाए, तो इसीलिए इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, और इस प्रोजेक्ट के अंडर ये युवा स्कीम भी लॉन्च की गई है टू प्रमोट द लिटरेरी फेस्टिवल्स. क्लियर है, रहेगी याद किसके अंडर है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, किसका ये पार्ट है, एंड व्हाट आर द फीचर्स, और क्यों चलाई गई है. चलो रहेगा याद. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. हम देखेंगे कि भाई ये जो इंडेक्स नहीं सॉरी डे कब मनाया जाता है, ये डे, दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 ऑफ मई.
3 मई को ये मनाया जाता है। 3 मई को क्या था? नामीबिया के विंडहॉग जगह पर, नामीबिया में एक जगह है विंडहॉग, वहां पर एक डिक्लेरेशन साइन की गई थी बाय डिफरेंट कंट्रीज कि भाई प्रेस फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए आपकी कंट्री क्या क्या इनिशिएटिव उठाएगी, क्या क्या नए नए स्कीम्स लॉन्च करेगी, जर्नलिस्ट की जान को खतरा नहीं होगा, ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे, है ना। तो ये सब डिक्लेरेशन की गई थी बाय डिफरेंट कंट्रीज। तो उसी डिक्लेरेशन को सेलिब्रेट करते हुए हम लोग 3 मई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। अगर हम इसकी थीम की बात करें, कोई भी अगर डे होता है ना जो इम्पोर्टेंट है, उसकी थीम तो हमें याद करनी ही करनी है। थीम कैसे याद होगी? व्हेन यू मेक इट पर्सनलाइज्ड, आप किस तरीके से उसको याद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, कि ये इंफॉर्मेशन है जो बेसिकली लोगों का अधिकार है जानना, इट इज़ अ पब्लिक गुड, देर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन प्रोलिफरेटिंग द इंफॉर्मेशन। तो सबसे बड़ी चीज़ प्रेस फ्रीडम में आती ही इंफॉर्मेशन है, जब आपको सही एक्यूरेट और क्रिस्प इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये थीम आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, एंड इट वॉज प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन डिसम्बर 1993 फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ यूनेस्को। 1993 के बाद जो है दिस डे वो सेलिब्रेटेड एज प्रेस फ्रीडम डे। अगर हम इसके साथ ही एक बार रिवाइज करें, हमने पहले भी देखा है कि एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कौन लॉन्च करता है? दिस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, दिस एनजीओ रिलीजेस दिस रिपोर्ट। और अगर हम इंडिया के रैंक की बात करें, इंडिया का रैंक इज 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस मंथ्स में, बस हल्का सा रिवाइज करवाया मैंने आपको। तो जैसे ही कोई भी टॉपिक आपस में लिंक्ड होता है ना, तो उसको उसी टाइम रिवाइज कर लिया करो, तभी तो चीज़ें आगे रिवाइज होती रहेंगी। चलो, तो दिस इज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट करेंगे दहला डैम, ये काफ़ी न्यूज़ में था दहला डैम, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है, तालिबान हैज कैप्चर्ड इट आफ्टर द मंथ्स ऑफ इयर्स फाइटिंग। काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग चल रही थी अफगान फोर्सेस में और तालिबान के बीच में, तो अल्टीमेटली कौन जीत गया है? तालिबान जीत गया है और दहला डैम अब उनके पास है। अगर हम देखें दहला डैम है कहाँ पर, इट इज़ द अफगानिस्तान सेकेंड बिगेस्ट डैम, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सेकंड डैम है। और कहाँ पर सिचुएटेड है? कंदाहर प्रोविंस है अफगानिस्तान में, वहाँ पर ये है। और किस रिवर पर है ये भी ध्यान रखेंगे, इट इज़ एट द अरगानदब रिवर, अरगानदब रिवर के ऊपर है। किस प्रोविंस में है? कंदाहर में है। और अभी किसके पास है? तालिबान के पास है। और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा नहीं है बट इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट डैम। तो दहला डैम के बारे में चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रही थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने चिंता जताई थी कि भाई अब ये जो डैम वगैरह है ये तालिबान के पास चला गया है, तो वाटर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी अब तालिबान के हाथ में है, तो काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक है वहाँ की उसको काफ़ी स्ट्रेस हो गया था कि भाई अब अल्टीमेटली सरकार के पास चीज़ें नहीं हैं, तालिबान के पास आ गई हैं। तो काफ़ी इसलिए न्यूज़ में रहा था, तो हम इसकी लोकेशन ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे कबासुरा कुदीनीर, अजीब नाम नहीं है, मेडिसिन का नाम है तो इसीलिए ऐसा ही नाम है इसका। तो ये न्यूज़ में क्यों थी कबासुरा कुदीनीर? पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस ड्रग को बेचने के लिए, ड्रग कह लो, मेडिसिन कह लो, है ना, मतलब कोई भी चूर्ण कह लो, जैसा आपका दिल करे, लेकिन ये एक ऐसा ड्रग है, एक ऐसी मेडिसिन है जो लोग कोरोना से पहले विक्टिम थे उसके, अब वो वापस घर आ चुके हैं बट स्टिल अब उनको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत फील हो रही है, क्योंकि कोरोना ने काफ़ी ज़्यादा लंग्स को डैमेज कर दिया था उस टाइम पे। इसीलिए ऐसे लोग जो आउट ऑफ हॉस्पिटल कोविड पेशेंट्स हैं, उनकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए दिस ड्रग हैज़ बीन गिवन। और ये ड्रग को यूज़ करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में जो अवेयरनेस कैंपेन था
वो चलाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो दो ड्रग्स थी बेसिकली जो काफी ज्यादा लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। फर्स्ट वॉज द आयुर्वेदिक ड्रग आयुष 64 और सिद्धा ड्रग काबासुरा कुदीनीर। ये ध्यान में रखेंगे। पेपर में अगर आपको पूछा जाए कि भाई क्या सिद्धा ड्रग है, होम्योपैथिक ड्रग है, आयुर्वेदिक ड्रग है या फिर एक्सेट्रा, तो आपको ध्यान रखना है काबासुरा कुदीनीर इज द सिद्धा ड्रग। सिद्धा बेसिकली किस रीजन में था, तमिलनाडु वाले रीजन से ये जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है ये जनरेट हुई थी, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। सेकंड, इट इज द ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन यूज्ड बाय सिद्धा प्रैक्टिशनर्स फॉर मैनेजिंग कॉमन रेस्पिरेटरी हेल्थ। तो आपकी जो लंग्स की हेल्थ है, आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए दिस ड्रग वॉज गिवन इन द एंशिएंट टाइम्स। तो अभी इसी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक काढ़ा टाइप सा बनाया जाता है ना, और काढ़ा टाइप बनाने के बाद उसको जो लोग कोरोना से पहले पीड़ित थे उनको ट्राई करवाया जाता है, ताकि उनकी जो लंग्स का सिस्टम है वो काफ़ी एफिशिएंटली काम करना शुरू कर दे दोबारा से। ठीक है, तो ये ड्रग ध्यान में रखेंगे। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि भाई द काबासुरा कुदीनीर वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, इज एसोसिएटेड विद विच काइंड ऑफ फिनोमिना। क्या ये ड्रग है, क्या ये कोई नई मिसाइल है ना, या फिर ये कोई नई जगह है जहाँ पर कोई रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, या फिर नन ऑफ दी अबव, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ ड्रग और मेडिसिन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे ई संजीवनी ओपीडी। ई संजीवनी है, नाम से ही क्लियर है, संजीवनी वर्ड जहां पर आ गया इसका मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई स्कीम है ना। सीरियल्स भी आते थे संजीवनी वाले, तो आप उससे भी ध्यान रख सकते हैं। तो आप ई संजीवनी, अब ये ई वर्ड लग गया, इसका मतलब क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका मतलब ओपीडी भी है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जिन लोगों को भी दिक्कत हो रही है कोई भी चीज में, हेल्थ वाइज कोई भी इशू है, तो ओपीडीज होती है ना हर एक हॉस्पिटल में। लेकिन अब ड्यू टू कोरोना काफ़ी सारी ओपीडीज जो हैं वो बंद हैं, लेकिन लोगों को तो हेल्थ एडवाइसेस चाहिए ही हैं, तो ऐसे लोग जिनको कोई दिक्कत फील हो रही है, दे कैन हैव द एक्सेस ऑफ ई संजीवनी ओपीडी। द संजीवनी ओपीडी इज अ फ्लैगशिप टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कंसल्टेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में आपकी कोई टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, है ना। कोई भी मेडिसिन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करनी है तो वो भी कर सकता है, तो आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप डॉक्टर से वीडियो कॉलिंग के थ्रू या फिर इस ऐप के थ्रू बात कर सकते हैं। चलो अगर हम देखें इसको डेवलप किसने किया है, ई संजीवनी ओपीडी वॉज डेवलप्ड बाय द सीडैक मोहाली, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडैक मोहाली ने इसको डेवलप किया है, दैट इज अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, है ना। मिनिस्ट्री ध्यान रख लेंगे क्योंकि पेपर में ना चीजें आ जाती हैं कभी ना कभी ऐसी ऐसी। और अगर हम देखें तो इट इज द फ्री कंसल्टेशन टू द इंडियन सिटीजन्स, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा इफ यू हैव द एक्सेस ऑफ दिस ई संजीवनी ओपीडी। तो फ्री कंसल्टेशन है, फ्री टेली मेडिसिनल प्लेटफॉर्म है, तो आप नाम ध्यान रखेंगे, किसने डेवलप किया है ध्यान में रखेंगे, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है ये ध्यान में रखेंगे। फेयर इनफ। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे, अभी रिसेंटली मनाया गया है, हम देखेंगे ये जो डे है ये कब मनाया गया है और इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है। तो दैट हैज बीन सेलिब्रेटेड एट इन ऑन द 11th of May को ये मनाया गया है। किसी भी डे की थीम भी ध्यान रखनी है हमें, तो इसकी जो थीम है, थीम इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी का आप ऐसे यूज़ करो ताकि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ना फेस करने पड़े बाय नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द यूजिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ना तो नेक्स्ट जनरेशन को कोई हानि पहुंचे और ना ही जो आपका एनवायरनमेंट है उसको कोई हानि पहुंचे इफ यू यूज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा अब ये न्यूज़ में भी रहती हैं चीज़ें कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी आपके लिए एक वरदान भी साबित हो सकती है
और एक अभिशाप भी साबित हो सकती है। तो इसके लिए ही ये थीम को बेसिकली डिसाइड किया गया है। और अगर हम देखें कि डे मनाया क्यों जाता है, दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड बिकॉज इसी के दिन 1998 में इंडिया ने अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे उनका सक्सेसफुल टेस्ट किया था कि भाई इंडिया उसके बाद एक ऐसा कंट्री बन गया जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स की प्रेजेंस है। तो इंडिया बेसिकली डेमोंस्ट्रेटेड द टेक्नोलॉजी कि भाई न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाए हैं हमने, और उसको टेस्ट भी करके देखा गया कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैन बी यूज अगेंस्ट एनी कंट्री और एनी अदर पर्सन। तो 1998 में दैट न्यूक्लियर बॉम्ब्स वर टेस्टेड, इसको हमने क्या नाम दिया था, दिस वॉज द ऑपरेशन शक्ति, दिस वॉज द ऑपरेशन शक्ति। हमने पहले एक चीज करी थी मिशन शक्ति। मिशन शक्ति ऑपरेशन शक्ति से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम मिशन शक्ति की बात करें तो वो क्या था, वो आपका ए सैट टेस्ट था, एंटी सैटेलाइट टेस्ट, एंटी सैटेलाइट टेस्ट, जिसमें आपने विद द हेल्प ऑफ अ मिसाइल जो स्पेस में सैटेलाइट घूम रही है उसको बेसिकली मारा था, है ना। तो दैट वाज डीआरडीओ और इसरो का वो एक कोलैबोरेशन था, मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट टेस्ट। तो ये जो ऑपरेशन शक्ति है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस मिशन शक्ति। और इस दिन हम लोगों ने क्या किया था, वी ऑल्सो टेस्ट फायर शक्ति वन न्यूक्लियर मिसाइल। हमारी न्यूक्लियर मिसाइल थी शक्ति वन, उसको भी हम लोगों ने टेस्ट किया था। एंड इंडिया परफॉर्म सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ द त्रिशूल मिसाइल, सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल। ये सैम है, सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल, ये भी ध्यान में रखेंगे। एंड ऑल्सो इंडिया ने अपना जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट था हंसा 3 उसको भी टेस्ट किया था जो सक्सेसफुल रहा था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी इस दिन पे जो हम लोगों ने करी, न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करी, जो त्रिशूल मिसाइल है उसकी टेस्टिंग करी, आपके जो शक्ति वन न्यूक्लियर मिसाइल है उसकी टेस्टिंग करी, और जो हंसा 3 इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना उसकी टेस्टिंग करी। तो चारों ही चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, उसके साथ साथ ये जो मिशन शक्ति है इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। और एक चीज इसके साथ मैं बता देती हूँ कि इंडिया ने 1974 में अपना पहला पोखरण टेस्ट किया था, जिसमें इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेट की थी कि भाई हाँ इंडिया के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। तो उस टाइम पर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं टेस्ट किए गए थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी टेस्ट की गई थी कि भाई हाँ ऐसी टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करेंगे तो अल्टीमेट न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। और इसको हम लोगों ने क्या दिया था नाम, द नेम वॉज द ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो कई छोटे पेपर्स होते हैं ना, उनमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इस ऑपरेशन का नाम क्या था, कब ये किया गया था। और अगर हम त्रिशूल मिसाइल की बात करें, यहाँ पर त्रिशूल मिसाइल जो कि है आपकी सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल, हमने पहले भी देखा है कि इंडिया ने अपना एक IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था इन 1983। इसमें इंडिया ने बोला था कि भाई हम लोग 5 तरीके की मिसाइल्स बनाएंगे जिनको हमने नाम दिया था पतन। हमने नाम नहीं दिया था, हम लोगों ने याद करने के लिए नाम दिया है इसे। तो ये 5 मिसाइल थे जिसमें आपकी पृथ्वी मिसाइल आ गई, ए से अग्नि मिसाइल, टी से त्रिशूल मिसाइल, इस ए से आकाश मिसाइल, एंड इस एन से नाग मिसाइल। तो इंडिया ने कहा था कि भाई हम लोग इस IGMDP के तहत इन 5 मिसाइल्स को लॉन्च करवाएंगे। जो पृथ्वी थी वो आपकी सरफेस टू सरफेस ही थी, अग्नि भी आपकी सरफेस टू सरफेस है, त्रिशूल आपकी सरफेस टू एयर है, आकाश भी आपकी सरफेस टू एयर है, एंड जो नाग मिसाइल है, नाग इज दी एंटी टैंक मिसाइल, नाग इज एंटी टैंक मिसाइल जो किसी भी टैंक को मार गिराने में सक्षम है, है ना। ये हल्का सा बेसिक बैकग्राउंड है इस करंट अफेयर का, लेकिन क्योंकि ये सारे इंटरलिंक्ड है इसलिए हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो IGMDP था, इंटीग्रेटेड
गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट वॉज इन द छत्र छाया ऑफ APJ अब्दुल कलाम. दैट इज वाई ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वर्ल्ड फूड प्राइज. अभी काफी ये भी न्यूज में था. हम देखेंगे कि जो प्राइज है वो किसको दिया जाता है. इस साल 2021 में दिस अवार्ड वॉज गिवन टू द डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह. डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को ये बेसिकली प्राइज दिया गया है और नाम से क्लियर है वर्ल्ड फूड प्राइज. ये प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने आपके पूरे एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी को बढ़ाया है या फिर जो फूड की क्वालिटी है उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान दिया है. अगर हम देखें तो दिस इज द फॉरमोस्ट इंटरनेशनल ऑनर रिकॉग्नाइजिंग द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव एडवांस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी द क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड. तो जिनके किसी इन्वेंशन की वजह से जिनके किसी इनिशिएटिव की वजह से पूरे वर्ल्ड में फूड का जो क्राइसिस था उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई तो ऐसे लोगों को हर साल वर्ल्ड फूड प्राइज प्रोवाइड करा जाता है. तो अभी किसको मिला है? इंडिया वाले डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को, है ना. और जो एलिजिबिलिटी है कि किस किस को ये मिल सकता है, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन. तो कोई भी ऐसा पर्सन जिन्होंने कोई भी अच्छा काम किया है किसी भी वो कंट्री से बिलोंग करते हैं उनको वर्ल्ड फूड प्राइज के लिए नॉमिनेशन ज़रूर मिलेगा. होता ना कई बार कि एक ऐसा प्राइज है जो सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टिनेंट के लोगों को मिल सकता है, इस एज के लोगों को मिल सकता है. तो ये एज कोई बैरियर नहीं है, कोई कॉन्टिनेंट बैरियर नहीं है इसमें, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे. और इनको क्यों दिया गया? बिकॉज इन्होंने एक पूरा न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोचेज अपनाई थी टू दी एक्वा कल्चर. एक्वा कल्चर जो भी हम लोग ये फिशिंग वगैरह करते हैं, एल्गी उगाते हैं, पानी वाली जो चीज़ें हैं, तो एक्वा कल्चर में इन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोचेज अपनाई थी कि भाई जो एक्वा कल्चर है उसकी वजह से भी लोगों में जो न्यूट्रिशन की कमी देखी गई है उसको पूरा किया जा सके. तो इसलिए काफ़ी इनको प्रोत्साहन भी मिली, इसलिए इनको प्राइज भी दिया गया. और अगर हम देखें कि इस प्राइज के बारे में क्या चीज़ें हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जिनको विनर ऑफ द नोबल पीस प्राइज इन 1970, इनको भी क्या कहा गया है? द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. हमें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कि जहां पर काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि इनोवेटिव स्ट्रेटजीज अपनाई गई टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, जहाँ पर हमने देखा कि हम लोगों ने HYV सीड्स देखे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स देखे, जो कैसे थे, दे वर दी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, उनको लैब में तैयार किया गया था. और इन सीड्स को उगने के लिए क्या चाहिए थी? इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए थी, वो भी सरकारों के द्वारा प्रोवाइड की गई. और क्या चाहिए था साथ में? जो इनको पेस्टिसाइड्स चाहिए थे, क्योंकि इन सीड्स पर ना काफ़ी ज़्यादा पेस्ट लग जाते थे, इसीलिए पेस्टिसाइड्स चाहिए होते थे. और साथ में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स वर आल्सो रिक्वायर्ड. तो दीज आर द 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. जिस भी कंट्री की सरकार ने ये तीनों चीज़ें अपने फार्मर्स को प्रोवाइड कर दी, वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा आप कह लो कि बढ़ोतरी देखी गई, फूड प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा. जैसे इंडिया में अगर हम बात करें, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न UP, ये 3 ऐसे रीजन थे जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज सक्सेसफुल. और जो रीजन थे सारे के सारे इंडिया में, वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया ही नहीं. तो इसीलिए ये सब किसने सोचा था पूरा का पूरा, ये सीड्स बनाने का आइडिया, इरिगेशन का आइडिया, दैट वॉज द आइडिया ऑफ ई नॉर्मन बोरलॉग. इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था. और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनको इंडिया का फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, इनको भी ये प्राइज मिल चुका है 1987 में. तो ये तो 2 चीज़ें ध्यान में रखेंगे. और पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइजेज आर ऑल्सो नोन एज नोबल प्राइज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? द वर्ल्ड फूड प्राइज. ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है,
इसके पीछे का बेसिक बैकग्राउंड क्या है, और जो दो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं हमारी, और ये जो इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, इसके बारे में जो भी चीज़ें आपको रहे याद वो याद रख लेना। बल्कि ये सब चीज़ें तो बहुत क्रक्स में मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो ये तो आपको कम से कम याद होनी ही चाहिए। चलें आगे। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे भवानी देवी। ये काफ़ी न्यूज़ में थी क्योंकि ये इंडिया की पहली इंडियन फेंसर बन चुकी हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। आप नाम ध्यान रखेंगे, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो शी इज़ बेसिकली अ फेंसर, जिनको हम तलवारबाजी भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो नाम भवानी देवी है, क्यों न्यूज़ में थी और ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ये चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स। नाम ध्यान रखेंगे, एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स ऐसी जगह हैं जो स्पेसिफिकली एज अ म्यूजियम या फिर एज एन एग्जीबिशन लगाने के लिए तैयार की जाती हैं। ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, उन बिल्डिंग्स को लगाने के लिए अब जो है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया है। मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रोवाइड करने का, अगर किसी भी आप कह लो कि सेक्टर को, जैसे हम बात कर लेते हैं कि कोई भी है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम, हम लोगों ने ये देखी थी। अगर हम बात करें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम्स, एक मिनट बस, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, जहां पर हमने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शुरू की हुई है, उन्होंने अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए जो भी स्कीम्स हैं, जो भी चीज़ें चलाई हुई हैं, अब इनको बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहाँ पर घर बनाने थे गरीबों के लिए कि स्लम में ना डेवलप, स्लम्स एरिया ना डेवलप हो जाए अराउंड दी पेरिफेरी ऑफ दी अर्बन एरियाज। तो ऐसे लोग जो माइग्रेंट्स हैं या फिर जो सिटी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को रहने के लिए ऐसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस वर गिवन। तब उनको बनाने के लिए जो स्टेटस था दैट वाज इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे ही अगर आपने कोई एग्जीबिशन या कन्वेंशन सेंटर बनाना है, तब भी आपके पास क्या है, यू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। मतलब क्या है इसका, अगर किसी भी सेक्टर को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रोवाइड कर देते हैं, इसका मतलब वो चीज़ बनाने के लिए आपको एक तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लोन आसानी से मिल जाता है बैंक से, क्योंकि लोन लेना भी महाभारत है। तो अगर आप कोई चीज़ ऐसी बना रहे हो जिसको ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ है सरकार ने, तो आपको लोन लेने के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। साथ में इससे क्या होगा, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग दी डेवलपर्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स। कितना ज़्यादा वो अमाउंट मार्केट से बोरो कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी में बोरो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें क्या है बहुत ईजिली टैकल हो जाती हैं। साथ में जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं कि आपको क्लियरेंस लेना है इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, वो क्लियरेंस भी बहुत जल्दी मिल जाती है। जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड किए जाते हैं सब्सिडी की फॉर्म में। दैट डिपेंड्स अपॉन कंसेप्ट टू कंसेप्ट, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये उस प्रोजेक्ट को मिलेंगी जिसके पास एक स्टेटस है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि सरकार का हमेशा क्या होता है कि यू हैव टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर कंट्री। तो इसका मतलब वो डेवलप करने के लिए सरकार एक तो लोन बहुत आसानी से देती है, साथ में जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है उसको मेंटेन करती है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आपको नहीं झेलनी पड़ती, फाइल पर साइन इजीली हो जाते हैं, फॉरेन करेंसी में भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो ऑल दीज आप कह लो बेनिफिट्स दैट गिवन टू एनी प्रोजेक्ट दैट हैज़ दी स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी रिसेंटली किसको मिला है, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, द रिसेंटली इट वॉज गिवन टू दी एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स। या तो वो एग्जीबिशन सेंटर हो या फिर वो कन्वेंशन सेंटर हो या फिर वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दोनों के लिए ही यू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। चलो नेक्स्ट करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू 2021।
तो डे है जिसकी थीम ध्यान रखनी पड़ेगी, और साथ में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मनाते क्यों है इसको। तो अगर हम देखें, दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई, और इसकी थीम अगर हम देखें तो थीम इज वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नाम से क्लियर है बायोडाइवर्सिटी डे है, इसका मतलब कुछ ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे, प्रोग्राम्स किए जाएंगे जिसमें लोगों को अवेयर करवाया जाएगा कि भाई आपके अराउंड जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपके लिए ही है। तो इसीलिए थीम भी है कि यू आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेचर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने में आप सॉल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं, ना कि यू शुड बी द प्रॉब्लम कि भाई आपकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, आपने जंगल काट दिए, आपने रिवर्स को पल्यूट कर दिया। तो ये सब चीज़ें क्या है, नाउ यू आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। इसी चीज़ को उल्टा करने के लिए ये थीम अपनाई गई है कि वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। थीम ध्यान रखेंगे, डे ध्यान रखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि भाई दिस डे वॉज इनिशियली, पहले जो था ये मनाया जाता था 29th of December को टिल 2000, क्योंकि इसके दिन ही क्या किया था, वी साइंड द CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये हम लोगों ने 29th of December को साइन करी थी, तो इसीलिए इस दिन पर ये डे मनाया जाता था। बट आफ्टर 2000 दिस वॉज चेंज्ड टू द 22nd May, क्योंकि 22nd May को क्या हम लोगों ने किया था, टू कैमोमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन एट रियो अर्थ समिट, जो हमारी 1992 की अर्थ समिट थी, है ना, जिसको हम लोग रियो समिट भी कहते हैं, वो 22 मई के दिन ही हम लोगों ने कंडक्ट करी थी पूरे वर्ल्ड ने अंडर द UNFCCC, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने 22 मई को मनाना इसको शुरू कर दिया। तो अगर हम CBD की बात करें या फिर हम लोग रियो समिट की बात करें, तो हमें ये पता है 1992 में देर वॉज अ कन्वेंशन UNCED, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये कन्वेंशन में सारी कंट्रीज आपस में आई थी, जहां पर इन लोगों ने तीन और नई कन्वेंशंस इजाद करी थी कि भाई एक हम लोग करेंगे क्लाइमेट चेंज को लेके, एक हम लोग करेंगे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, और एक और चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, टू कॉम्बेट द डेजर्टिफिकेशन, कि डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे, ऐसे एरियाज जो पहले काफ़ी अच्छे थे, एग्रीकल्चर किया जाता था, बट नाउ द डेजर्टिफिकेशन हैज़ अकर्ड, बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो इस पूरी रियो समिट जिसको हम बोलते हैं रियो समिट या फिर अर्थ समिट जिसको बोलते हैं, UNCED को तीन नई कन्वेंशंस लेकर आए, क्लाइमेट चेंज वाले के लिए था UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी के लिए था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। तो ये तीन कन्वेंशन बेसिकली UNCED का पार्ट है। तो जो ये CBD था इसको ही कैमोमरेट करने के लिए पहले 29 दिसंबर को ये मनाते थे हम लोग, बट हम लोगों ने सोचा कि भाई सिंपल एक कन्वेंशन के रूप में नहीं, हम पूरा एज अ सॉल्यूशन जो पूरी की पूरी ये समिट है उसके दिन ही मनाएंगे सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो इसीलिए द 29 दिसंबर वॉज शिफ्टेड टू द 22nd May। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। पहले CBD को जहां पर साइन किया था, किस तारीख को साइन किया था तब मनाते थे, और अब जब रियो समिट को साइन किया तब मनाते हैं। ठीक है, थीम ध्यान रखेगी, डे ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्गोज माउंट नियरागोंगो। नियरागोंगो है बेसिकली वोल्केनो है, तो ये अभी इरप्ट हुआ था इसीलिए ये काफी न्यूज में था। तो ये वोल्केनो का नाम ध्यान रखेंगे, और ये किस कंट्री में है, कॉन्गो इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका में है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो अगर हम देखें तो इट वॉज इन द, अगर हम, इट इज़ द पार्ट ऑफ विरुंगा माउंटेन्स। विरुंगा माउंटेन्स हैं अफ्रीका के कॉन्गो रीजन में, उसी का ही ये पार्ट है। पेपर में स्टेटमेंट अगर आ जाए कि विरुंगा माउंटेन्स वर रिसेंटली इन न्यूज़, आर लोकेटेड एट विच कंट्री, इन विच कंट्री, तो आपको ध्यान रहो ये कॉन्गो में है। विरुंगा माउंटेन्स ध्यान रखेंगे,
इस वोल्केनो का नाम ध्यान रखेंगे, नियरा गोंगो। कोई भी वोल्केनो किसी भी कंट्री में अगर इरप्ट होता है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम देखें कि वो किस कंट्री में है और ये बेसिकली क्यों इरप्ट हुआ है और इसके आसपास की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें पता हो। जैसे कोंगो वाले में क्या है, इट इज़ दी एलिवेशन ऑफ 3470 meters। तो एक तो इसकी ये हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है और साथ में ये कहाँ पर है, इट इज़ द पार्ट ऑफ विरुंगा नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है, उसी में विरुंगा माउंटेन्स हैं, उसी में आपका ये नियरा गोंगो वोल्केनो है। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई तो ये कहाँ पर है और ये क्यों अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, कंट्री ध्यान रखेंगे, विरुंगा ध्यान रखेंगे और नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे, इतना ध्यान रखना है, हो जाएगा। चल नेक्स्ट हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी अवार्ड ऑफ इंडिया, इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। ये बेसिकली अभी किसको दिया गया है, शाजी एनएम को दिया गया है। ही इज ऑल्सो नोन एज द ट्यूबर मैन, क्योंकि ये ट्यूबर क्रॉप्स ज्यादा लगाते हैं। ट्यूबर क्रॉप्स मतलब आपकी ये स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, या फिर सिंपल पोटैटो, मतलब ऐसी ऐसी जो क्रॉप्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर क्रॉप्स बोलते हैं इन्हें। तो इसीलिए हम लोगों ने शाजी एनएम को इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से नवाजा है, क्योंकि इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज की, इन्होंने एक ऐसा अप्रोच अपनाई है एग्रीकल्चर करने के लिए जिसकी वजह से सॉयल में जो भी स्पीशीज प्रेजेंट हैं उनको कोई हानि नहीं पहुंच रही और उनकी प्रेजेंस से जो प्लांट है उसको काफ़ी हेल्प भी मिल रही है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, इसीलिए शाजी एनएम को हम लोगों ने ये अवार्ड प्रोवाइड किया है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। अगर हम देखें कि ये किसने रिलीज़ किया है अवार्ड, तो 2012 से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद द यूएनडीपी इंडिया, दोनों मिलकर ये अवार्ड देते हैं। किन लोगों को देते हैं, टू ऑनर the outstanding models of biodiversity conservation, sustainable use and governance at the grassroot level। मतलब जिन्होंने भी grassroot level पर ground reality में चीज़ों को इस तरीके से approach किया है कि भाई आपका soil को कोई भी हानि नहीं पहुँच रही, crops भी बढ़िया लग रही हैं और आपकी biodiversity भी ख़त्म नहीं हो रही है, चाहे वो microorganisms हों, चाहे आपके कोई pest हों, and any other thing, किसी को नुकसान नहीं पहुँचे, तो ऐसे लोगों को हम क्या देते हैं, इट ऑल्सो कंटेन्स दी 2 लाख कैश प्राइज, 2 लाख का कैश प्राइज भी मिलता है। आपका काम ये है कि ये जो अवार्ड है ये किसने लॉन्च किया है, किसको मिला है, कितने ज़्यादा पैसे मिलते हैं और ये क्यों मिलता है अवार्ड, ये 4 चीज़ें हम लोगों ने देखनी है हर अवार्ड के बारे में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट हम करेंगे मिनिएचर स्कल्पचर ऑफ द बुद्धा फाउंड इन उडुपी, उडुपी एट द कर्नाटका स्टेट। यहाँ पर अभी रिसेंटली एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ बुद्धा मिले हैं जो कुछ ऐसे से दिखते हैं, तो ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि ये मिले हैं। अब हमारा काम ये है कि भाई अगर ये मिल गए हैं तो इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, किस स्टाइल से ये बिलोंग करते हैं, क्या क्या और करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे अगर हम देखें तो दिस इज 9 सेंटीमीटर हाइट है इनकी, 5 सेंटीमीटर ये वाइड है एंड 2 सेंटीमीटर ये थिक है। बहुत ज़्यादा ऐसे हाइट, थिकनेस और विड्थ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप ध्यान रखेंगे इनकी हाइट, द 9 सेंटीमीटर इज़ दी हाइट, बाकी विड्थ है या फिर थिकनेस है अपने काम की चीज़ नहीं है। अब हम लोग हाइट ध्यान में रखेंगे और हम देखेंगे कि भाई ये पोजीशन किस में बैठे हैं, द बुद्धा इज सीटेड ऑन अ लोटस पेडेस्टल इन धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कौन सी होती है, जब इन्होंने पहली बार एनलाइटनमेंट अचीव करने के बाद अपना पहला सरमन दिया था, पहला ज्ञान दिया था कई सारे लोगों को, तो दैट काइंड ऑफ आप कह लो कि इंसिडेंट वॉज नोन एज दी धर्म चक्र परिवर्तन। पहली बार जो सरमन दिया था इन्होंने अपना सारनाथ में, उसके इंसिडेंट को ही करने के लिए धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा हम उसको बोलते हैं। और हम इसमें देखें तो द लॉर्ड वियर्स क्लोथेस एंड इयररिंग्स, है ना, कई सारे ऐसे ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ वो ये ड्रेपरी है या फिर इयररिंग्स नहीं है, बट इसमें इयररिंग्स वगैरह हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई यहाँ पर ये जो स्कल्पचर मिला है दैट इज इन द गुप्ता स्टाइल,
ये इम्पोर्टेंट है, बाकी आप ये याद रखते हो नहीं रखते हो आपकी मर्जी है, मैंने नोट्स में दे दिया है, याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी रहता तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। पेपर में स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर पूछा जा सकता है कि भाई इसकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इनके अराउंड कोई भी आप कह लो कि ये टू यक्षास ऑन आइदर साइड ऑफ दिस बैक, टू विंग्ड हॉर्सेज हैव बीन कार्व्ड आउट, तो ये सब जो माइन्यूट से स्पेसिफिकेशंस हैं ये यूपीएससी के लेवल की हैं। अगर हम नॉर्मल एग्जाम्स की बात करें तो आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई अभी रिसेंटली एक मिनिएचर बुद्धा का स्कल्पचर मिला है, वो कहाँ पर मिला है, या फिर उडुपी में भी स्कल्पचर मिला है वो कैसा है, वो मिनिएचर है या फिर लार्ज है या फिर वो किसी और स्टाइल से है, गुप्ता स्टाइल से नहीं है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो नॉर्मल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप सिंपल अगर ये ध्यान रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई पढ़ने में रोकी टोकी नहीं है, याद रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी होती है तो इतनी इंपॉर्टेंट ये है नहीं। हम इसमें ध्यान क्या रखेंगे कि भाई किस स्टाइल का है, इसकी हाइट क्या है, ये किस मुद्रा में बैठे हुए हैं और ये कहाँ पर मिले हैं। आप इसको दो तीन बार देखेंगे ना तो आपको वैसी ही चीजें याद हो जाएंगी कि भाई क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं इनके। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे। ढाका क्लियर्स करेंसी स्वैप फॉर श्रीलंका। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री बना है जिसने पहली बार किसी कंट्री के साथ में करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया है, वो कितने का, वो भी $200 मिलियन का। ये इम्पोर्टेंट टर्म है, $200 मिलियन, ये ध्यान में रखेंगे, इतने का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट किया है। अगर हम देखें करेंसी स्वैप अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये बांग्लादेश है, यहाँ पर श्रीलंका है, बांग्लादेश की अपनी करेंसी है एक्स, श्रीलंका की अपनी करेंसी है वाई, तो जैसे एक एक्स में कितने वाई हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक डॉलर में देर आर 80 रुपीज, है ना, जैसे हम नॉर्मल किसी भी करेंसी एक्सचेंज रेट निकालते हैं, तो वैसे ही इस बांग्लादेशी करेंसी का कुछ ना कुछ श्रीलंका में एक्सचेंज रेट होगा। तो इन लोगों ने फिक्स कर लिया है कि भाई अभी जो है एक बांग्लादेश का जो एक्स करेंसी है उसकी वैल्यू 10y है, आगे फ्यूचर में ये चेंज होती है डॉलर के मुकाबले नहीं होती है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे यहाँ पर जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा ऑफ $200 मिलियन वो किस में होगा, इसी एक्सचेंज रेट पर ही होगा। तो इससे क्या होता है कि जो वोलेटिलिटी होती है एक्सचेंज रेट की वो थोड़ी सी कम हो जाती है और करंट कंट्रीज आपस में इंश्योर हो जाती हैं कि भाई जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो काफ़ी आगे आने वाले टाइम तक इसी रेट पर होगा, है ना। तो इससे एक थोड़ी सी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर जाती है कंट्रीज़ को, खास करके ऐसी कंट्रीज जो गरीब कंट्रीज हैं, है ना। तो इसीलिए $200 मिलियन ध्यान में रखेंगे। और ये क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट बिटवीन टू फ्रेंडली कंट्रीज टू इन्वॉल्व ट्रेडिंग इन देयर ओन लोकल करेंसीज। डॉलर के मुकाबले क्या बांग्लादेशी करेंसी चल रही है, डॉलर के मुकाबले क्या श्रीलंकन करेंसी चल रही है, वो फर्क नहीं पड़ता, अभी जो एक्सचेंज रेट है इन दोनों का आपस में उसको ध्यान में रखते हुए आगे के लोगों ने इसको फिक्स कर लिया। क्लियर है, फॉर द अमाउंट $200 मिलियन। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, पेपर में स्टेटमेंट आ सकती है कि रिसेंटली श्रीलंका को $200 मिलियन की करेंसी स्वैप फैसिलिटी किस कंट्री ने प्रोवाइड की है, दैट इज़ दी बांग्लादेश, क्योंकि ऑप्शन में बांग्लादेश होगा लेकिन बांग्लादेश खुद ही गरीब कंट्री है तो वो किसी और को क्या करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन करेगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ का बेसिकली फिनोमिना है ये, डेवलप्ड और डेवलपिंग का, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज डेवलपिंग नेचर की हैं तो इसलिए मे बी ऑप्शन आप नेग्लेक्ट कर दे, लेकिन अब आपने पढ़ लिया है इसको तो नेग्लेक्ट मत करना। श्रीलंका के लिए बांग्लादेश ने एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड किया है, क्योंकि अगर हम पूरी कॉन्टिनेंट की बात करें तो श्रीलंका को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक, तो इसीलिए काफ़ी सारी कंट्रीज आगे आ रही हैं इनकी सहायता करने के लिए। क्लियर है, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे द लेटेस्ट फाइंडिंग्स अबाउट वीनस। वीनस ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ ट्विन, अर्थ का जुड़वा इसको बोला जाता है। अभी कई सारे जो रिसर्चर्स हैं जो कहाँ काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एट दी नासा का गोल्ड स्टोन एंटीना इन दी मोहावे डेजर्ट ऑफ कैलिफोर्निया। वहाँ पर ये नासा का गोल्ड स्टोन एंटीना है जहाँ से रेडियो वेव्स को वीनस पर लॉन्च किया गया और जो रेडियो वेव्स टकरा कर दोबारा इस एंटीना ने एक्सेप्ट करी
उसके हिसाब से हमने ये बताया कि वीनस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये कहाँ से निकली है बात पूरी की पूरी कि भाई कौन सी जो रेडियो वेव्स हैं ये टकरा के हमारे पास वापस आई हैं। तो जोन सी भी वेव जहाँ से आती है उस एरिया का हमेशा ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अपने साथ लेकर आती है। तो वीनस के बारे में इन रेडियो वेव्स ने क्या बताया कि भाई एक तो इसका टिल्ट कितनी डिग्री पर है और इसका जो साइज ऑफ द प्लैनेट्स कोर, जैसे अगर हम इंडिया की अर्थ की बात करें तो अर्थ के जो रेडियस है दैट इज 6400 मीटर, स्फेरिकल है ना अर्थ, तो इसकी जो रेडियस है दैट इज 6400 मीटर। वैसे ही अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस का जो प्लेनेटरी कोर है इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 7000 किलोमीटर। तो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, सॉरी यहाँ पर एक किलोमीटर आएगा, मीटर नहीं, मीटर तो बहुत कम हो गया, जो 7000 किलोमीटर है दैट इज ऑफ द वीनस, रेडियस की हम बात कर रहे हैं। अगर अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है तो जो वीनस की एक्सिस है दैट इज 2.64 डिग्रीज ओनली, है ना। अगर ये वीनस है तो सिर्फ ये इतना ही झुका हुआ है, ये सीधी लाइन है, तो हल्का सा इसको हम झुका दें तो दैट एंगल इज द 2.64 डिग्री। अर्थ का कितना है? 23.5 डिग्री है। और साथ में अगर हम इसके वीनस की रोटेशन अराउंड द एक्सिस या फिर रेवोल्यूशन अराउंड द सन की बात करें तो रोटेशन में इसको टाइम लगता है 243 डेज, 243 दिन लगते हैं इसको अपने एक्सिस पर पूरा घूमने में, और इसको लगते हैं पूरे अर्थ पूरे सन के अराउंड रिवॉल्व करने में ओनली 225 डेज। तो आप ध्यान में आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, सन है इसके अराउंड ये जो वीनस है ये अपना चक्कर काट रहा है 225 डेज में और अपनी एक्सिस पर ये घूम रहा है 243 डेज में। तो वीनस का जो डे है, एक दिन जो है, पूरे वीनस के एक साल से भी ज़्यादा बड़ा है। जैसे इंडिया में अर्थ पे 24 आवर्स का वन डे है और 365 डेज लगते हैं पूरा रिवॉल्व करने में, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर जो एक डे है दैट इज मोर देन दी वन ईयर ऑफ दैट रीजन। तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि भाई इसको रोटेशन में कितना टाइम लगता है, रेवोल्यूशन का क्या टाइम है, किसकी कितनी इसकी एक्सिस है, और साथ में इसका जो जो आपकी रेडियस है इस वीनस की वो कितनी है। तो ये तीन चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ये किसने बताई हैं हमें? वी हैव नोन बाय द नासा का गोल्डस्टोन एंटीना, जो कि इन्होंने पूरे 2006 से लेकर 2020 तक रेडियो वेव्स कॉन्स्टेंटली बम्बार्ड करी हैं और जो वापस आई हैं उसके हिसाब से ये सब चीज़ें इन लोगों ने मतलब बताई हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे एमपी लैड स्कीम। ये काफ़ी अभी न्यूज़ में थी क्योंकि रिसेंटली कई सारे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने स्पीकर ऑफ द लोकसभा को ये चिट्ठी लिखी है कि भाई एमपी लैड स्कीम जिसको सस्पेंड कर दिया गया था उसको दोबारा से लॉन्च करो ताकि इस पर दोबारा से डेवलपमेंट का काम हम लोग शुरू कर सकें। तो हमारे लिए काम की चीज़ ये है कि भाई एमपी लैड स्कीम बेसिकली है क्या। इट वॉज लॉन्च इन दिसंबर 1993। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो लोकसभा के एमपी हैं या फिर राज्यसभा के एमपी हैं उन सभी को एक एक रीजन प्रोवाइड किया जाता है जिनमें उनको 5 करोड़ तक का जो वेलफेयर डेवलपमेंट है वो करवाना होता है। जो लोकसभा के एमपी हैं वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं वहां पर रिकमेंड कर सकते हैं 5 करोड़ तक का काम। जो राज्यसभा के एमपी हैं वो जिस स्टेट से आए हैं उस स्टेट में कहीं पर भी 5 करोड़ का जो काम है वो रिकमेंड कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड एमपी हैं, जैसे अगर हम 12 राज्यसभा में हैं, एक आपका लोकसभा में रह गया है, तो ये सब पूरे इंडिया में कहीं पर भी एक साल में 5 करोड़ तक का जो डेवलपमेंट का काम है वो रिकमेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने हर बार क्या चीज़ बोली है, आई हैव ऑलवेज यूज द टर्म रिकमेंड। इसका मतलब जो डायरेक्टली फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कहाँ पर आता है? इट कम्स टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, ना कि जो एमपी का अकाउंट है वहाँ पर जाता है। तो फंड आया है डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट्स में, लेकिन काम कौन सा करवाना है दैट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द एमपी। डिसाइडेड भी नहीं, सिर्फ रिकमेंड, उसके लिए बात माने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या ना माने दैट्स अप टू देम। ठीक है? तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे।
साथ में इट इज अ प्लान स्कीम फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, ये ध्यान रखेंगे. साथ में एनुअल एमपी लेड फंड एंटाइटलमेंट पर एमपी इज रुपीज 5 करोड़. ओके. और ये जो 5 करोड़ है इनमें से 15% जो काम होगा डेवलपमेंट का, दैट वुड बी फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन के लिए, और 7.5% इज फॉर द एरियाज इनहैबिटेड बाय द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन. तो ऐसा नहीं है कि भाई आप कितना ही फंड कहीं पर भी दे सकते हैं, आपको एक तरीके से प्रोपोर्शनली खर्च करने हैं बेसिकली, कि भाई सारा फंड आप किसी एक एरिया में ना लगा दें, पूरे स्टेट में. शेड्यूल कास्ट के लिए भी आपने ध्यान में रखना है, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी आपने खर्च करने हैं. तो 15% फॉर द शेड्यूल कास्ट, 7.5% फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है, रहेगा याद. और क्या फीचर्स हैं? फीचर्स ये हैं कि भाई द फंड रिलीज अंडर द स्कीम आर नॉन लैप्सेबल. अगर एक साल में आपने 5 करोड़ रुपीज नहीं खर्च किए हैं तो वो दोबारा से फंड में नहीं चले जाएंगे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आगे आने वाले फंड में ऐड हो जाएंगे. अगर आपने पहले साल सिर्फ 4 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं तो अगले साल आपके पास कितने हैं, यू हैव 6 करोड़ रुपीस. और आपने सिर्फ 6 में से 3 खर्च किए हैं तो बाकी वाले क्या होंगे, 5 + 3, अगले साल के लिए आपके पास 8 करोड़ रुपीस होंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन लैप्सेबल. आगे चीजें बढ़ती चली जाएंगी, दोबारा से सरकार के फंड में वो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, तो नॉन लैप्सेबल है. साथ में द एमपीज हैव अ रिकमेंडरी रोल अंडर द स्कीम, वही हमने बात की रिकमेंड करने की. एंड एटलीस्ट 10% ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट लगाए हैं उसका एटलीस्ट 10% अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट टू बी इंस्पेक्टेड एवरी ईयर बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज. तो जो भी चीज़ें बनवा रहे हैं वो कौन बनवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज बनवा रहे हैं, फंड भी इनके पास ही आ रहा है, तो अल्टीमेटली जो इंस्पेक्शन है वो भी कौन कर रहा है, इट इज डन बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज. क्लियर है? तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ दिस स्कीम, ये आपने ध्यान रखनी है. न्यूज में काफी था क्योंकि अभी काफी चर्चा हो रही है कि दोबारा से इसको लॉन्च कर दो, क्योंकि सरकार ने जब कोरोना आया था तब इस स्कीम को खत्म कर दिया था कि भाई हर एमपी को 5 करोड़ रुपीज देने के लिए हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए आप बाद में सोचेंगे इसके बारे में. ये जो फंड है हम लोग अब कहीं कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे. उस टाइम पे चीज सही भी थी, बट दोबारा से मांग उठ रही है कि इसको दोबारा से शुरू कर दो, बट ये ध्यान में रखेंगे. चलो नेक्स्ट है अपना स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्वामी फंड. एक तो आपकी इसके बारे में एब्रीवेशन आ सकती है कि व्हाट इज एब्रीवेशन ऑफ द स्वामी फंड, और साथ में ये आ सकता है कि भाई ये है क्या, न्यूज में क्यों था. तो नाम से क्लियर है ये फंड है. इस फंड ने पहली बार, पहले हम देख लेते हैं ये करता क्या है. इस फंड में से पैसे उन प्रोजेक्ट्स को दिए जाते हैं जो खास करके कौन से होते हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, रहने लायक जो घर वगैरह बनाने हैं उनको पूरा करने के लिए, कि वो बीच में रुक गए थे, उनके पास फंड नहीं रहा था या फिर कोई और इशू आ गया था, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को दोबारा से शुरू करने के लिए जो पैसा है इस फंड में से निकाल कर दिया जाता है. और इसीलिए न्यूज़ में भी था, महाराष्ट्र का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट रिवाली पार्क इन सब अर्बन मुंबई, इस एरिया में जो पहला इज द फर्स्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया टू हैव रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम दिस स्वामी फंड. तो ये फंड किसके लिए दिया जाता है ये अपने को क्लियर है, किसको अभी दिया गया है ये अपने को क्लियर है. ठीक है, और अगर हम देखें ये फंड 2019 नवंबर में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लॉन्च किया गया था. 19 ध्यान रखेंगे, ईयर भी इंपॉर्टेंट होते हैं. और साथ में रेरा रजिस्टर्ड अफोर्डेबल एंड मिड इनकम कैटेगरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही ये फंड प्रोवाइड करेगा. अब ध्यान रखेंगे, रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जिस प्रोजेक्ट को रजिस्टर करा हुआ है सिर्फ उसकी कंप्लीशन के लिए ही इनको पैसे दिए जाएंगे. और अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है इसका, इट इज़ दी SBI कैप वेंचर्स, इट इज़ दी इन्वेस्टमेंट मैनेजर. और जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर इज़ दी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस.
देख रेख बेसिकली ये करते हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट मैनेजर है कि भाई किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, फंड देना भी है कि नहीं देना है, दैट इज डिसाइडेड बाय द SBI कैप वेंचर, इट इज अ कंपनी अंडर द SBI. क्लियर है? तो ये स्वामी फंड ध्यान में रखेंगे, क्यों ये न्यूज में था ये ध्यान में रखेंगे. ठीक है, चलो यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं मे करंट अफेयर्स का पार्ट वन. कल हम लोग पार्ट टू के साथ में मिलेंगे जिसमें काफी और ज्यादा करंट अफेयर्स हम लोग टैकल करेंगे. ठीक है, तो इनको रिवाइज करना और एक बार 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 इनको ना पढ़ते रहना ताकि चीजें आप भूलें नहीं, क्योंकि पेपर में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो आपके करंट अफेयर के रिगार्डिंग ही आते हैं, दे जस्ट लिंक्ड विद द स्टैटिक पोर्शन, है ना. तो रिवाइज करना, बाकी कोई भी डाउट होगा तो पूछना. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.